Intro. जियोमेट्री ये आपको क्या हो गया क्लास 11 और चैप्टर क्या हो गया 12 एक तारीख से 12 के क्लास समझ गया ना हिंदी क्या होता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय ये कौन है ना जी त्रि मतलब तीन का डिब्बा है ना देखो तो ये इधर से आया है ये इधर से आया है ये इधर से आया लंबवत है कि नहीं यही ना थ्री डायमेंशनल फिगर है जी इसी को हम क्या कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर जैसे हाथ लो ऐसे किया अंगूठा को ऊपर उठा दो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है कि नहीं है आप देखो ये देख लो ये इस पर लंब है ये इस पर लंब होगा कि नहीं होगा होगा ना एक वो यहाँ पर ये खड़ा कर देते हैं मार कर बोलो वन थ्री डायमेंशनल और लाओ तीन को कलम लाओ तो देखो ये हो गया ना ये ऐसे कर दो इस पर ऐसे कर दो सब एक दूसरे पर लंबवत होगा कि नहीं होगा नहीं होगा जी सर होगा ना जी सर जी सर सुन रहा है ना तो एक दूसरे पर क्या होता है लंबवत है जैसे बुक का एक कोड लेमिंग का वहाँ मस्त ये बुक है ना जी बुक का कोड है ना देखो तो ये भी इस पर इस ऐसे करो देखो ये लम है कि नहीं गुटा हो गया कि नहीं हो गया ना लम अब देखो ये देखो अगर हम मान लेते हैं ये गुटा है ये है धरती है ये भी लम है कि नहीं समझा इनको कि नहीं समझा थ्री डायमेंशनल फिगर क्या है अब बोर्ड पर जो चित्र बनता है इस प्रकार से जैसे आपको ये हो गया ऐसे किया इस पर तो एकदम डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक दूसरे पर क्या है लम है ना हाँ इस पर देखो सम ये ऐसे कर दो ऐसे नहीं लगा तीनों एक तीनों जाए एक दूसरे पर होगा कि नहीं समझो एगो मार्कर ही है एगो मार्कर ही है एगो मार्कर ऐसे किए देखो थ्री डायमेंशनल फिगर हुआ कि नहीं हुआ डायमेंशन मतलब क्या होता है बीमा नहीं हो गया जी थ्री मतलब क्या हो गया तीन को बीमा तीन को अभी तक तो ये को ना बीमा पड़ा था जी तीनों पड़े यही ना किया था अब एक्स वाई जेड भी पड़ेगा क्या पड़ेगा एक्स वाई तीनों एक दूसरे पर लंबवत है कि नहीं है ना आप मान के चलो कि ऐसे रेखा इधर नहीं खींच सकते इनको ऐसे खींच दिया जाता है ऐसे खींच दिए नहीं खींच दिए इनको जब ऐसे खींच दिए तो ये जो इस पर ऐसे करके है ऐसे लंब है ये मत समझना कि ऐसे है ऐसे लंब है समझ गया ना हाँ आप अंदर भी नहीं दर्शा सकते हैं वो अंदर भी नहीं जाता है ये जो है इधर से जाया इधर आ जाएगा इधर समझ गया ना इनको समझने में दिक्कत भी है नहीं नहीं तो थ्री डायमेंशनल फिगर को समझ लिया है आप मान के चलो अब देखो किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना तो ये सिंपल बात है एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेगा तो सिंपल नियम है क्या करेगा मान के चलो कि यहाँ पर कोई बिंदु पी है ना इस बिंदु का क्या करेगा स्थान का निर्धारण करेगा क्या करेगा एक्स वाई प्लेन है तो सिंपल नियम क्या करेगा ऐसे यहाँ से लम डाल देगा और यहाँ से लम डाल दो
यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लो, यानी वाई एक्स पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लो, यहाँ से इनका स्थान निर्धारित कर दो। मान चलो कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, टू है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, तीन है, यानी ये तो तीन वाई का नाम मान होता है तीन, ये किसका मान हो गया, इसका क्या करेगा निर्देशन, दो तीन हो गया स्थान का निर्धारण, नहीं हो गया वाकई नहीं हुआ जी सर। तो ये तो एक्स वाई प्लेन के लिए है, मान के चलो कि आकाश में कोई बिंदु रहेगा, उसका स्थान कैसे निर्धारण करेगा, आकाश में भी बिंदु रह सकता है नहीं रहेगा, तो उनका स्थान कैसे निर्धारण करेगा। तो पी जो है ये स्पेस में जो है कोई बिंदु है ना, इनका स्थान निर्धारण करना ऐसे खींच दो, तो इसमें 3D फिगर की आवश्यकता है, ये हो गया। अब देखिए ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई, और ये क्या हो गया जेड, इसी के समान तक एक ऐसे खींच दो, खींच दिया रेखाखंड, थोड़ा ऐसा खींचना है कि इसको पकड़ ले, इनको थोड़ा और हम आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, इनको यहाँ लाओ, तो देखो ये एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं जी सर, है ना। अब देखो ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये आपका वाई हो गया, तब इनका नाम क्या देगा, पी एक्स वाई जेड, हो गया ना स्थान का निर्धारण कि नहीं हो गया, स्थान का निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, नहीं होगा, ये दूरी आपका क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वाई की दूरी कहाँ, वाई की दूरी, वाई का दूरी ये यहाँ से लेकर के ये वाई का दूरी मिला दिया, ये दूरी क्या हो गया आपका, वाई ना हो गया, ये हुआ ना जी, होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है वो इन दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, इनको यहाँ से यहाँ खींचेगा, खींचा ना, ये जो लिए ऐसे किए ऐसे किए, अब पी एक्स वाई जेड जो किए ये बिंदु का निर्धारण नहीं हो गया, निर्देशांक का डेफिनेशन लिखना है, और इनका इंग्लिश क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है ना, अब इनका डेफिनेशन लिखो, निर्देशांक और oh. उन दो लंबिक दूरियों को, निर्देशांक और दो लंबिक दूरियों को, निर्देशांक और दो लंबिक दूरियों को अक्षों के सापेक्ष, को अक्षों के सापेक्ष उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं, स्पेस में किसी बिंदु के, स्पेस में स्पेस में किसी बिंदु के, किसी बिंदु के तीन निर्देशांक होते हैं, किसी बिंदु के तीन निर्देशांक होते हैं, यदि पॉइंट पी हो, यदि पॉइंट पी हो, पी हो, पी हो, सर पी हो लिखे, तो निर्देशांक एक्स वाई जेड होंगे, क्या होगा एक्स वाई जेड, इनका इंग्लिश लिखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ओ
columns in 3 dimensional space. प्लान में तले ना यहाँ पर प्लान्स है तलो एक से अधिक होगा. अब इनका फिगर बनाना है, इनको हेड लाइन बना दो. इसे तीन खींच देना है, तीन खींच दिया. उसके बाद देखो ऐसे खींच दिए, ये आपका क्या हो गया जेड दे ये वाई पूरे वाई पूरा पूरा नहीं. ये जो इधर वाई तो जैसे यहाँ पर खींचते तो अंदर की ओर न गया है, जैसे यहाँ देते हैं वो अंदर न जाता है, वो किसको कैसे दर्शाएगा, इसलिए डॉट डॉट मार दिया जाता है, समझ गया ना. अब यहाँ से एकदम डायरेक्ट लाइन खींचो, डॉट डॉट है तो इनका भी अर्थ है, समझ गया ना. उसके बाद देखो ये भी इन पर लंब है, बुक से उतार लो फिगर को तुम लोग. बुक में सही समझे मुझे बनाओ. पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले तीन परस्पर लंब तलों की कल्पना करते हैं. देख देख लिखो पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले तो क्या बोले पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले तीन परस्पर
तीन परस्पर लंब तलों की कल्पना करते हैं। तीन परस्पर के बाद क्या बोले? लंब तलों की कल्पना करते हैं। ये तीनों तल रेखाओं x-o-x ऐसे y-o-y and z-o-z पर प्रतिच्छेदित पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जिन्हें क्रमशः x अक्ष y अक्ष और जेड अक्ष कहते हैं। एक्स एक्सिस दे दो, समझ गया? एक्स एक्सिस दे दिया, लिखेगा x-o-x इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, समझ गया ना? अब देखो y एक्सिस हो गया ना, इसमें देखो y-o-y इज कॉल्ड, ये आपको क्या हो गया y एक्सिस, हुआ कि नहीं हुआ? अब हम कहेंगे z एक्सिस, ये क्या होगा? z-o-z ये क्या कहलाएगा? ये लड़का बहुत बोलता है। अगला डेफिनेशन लिखो स्टार्ट करके। xy प्लेन उसको प्लेन बोलते हैं। हाँ, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल, हिंदी में लिखना चाहो तो एक्स वाई तल। यहाँ पर लिखो एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, समझ गया? एक्स ओ वाई क्या कहलाता है? एक्स वाई प्लेन। इसमें देख लो, ये एक्स ओ वाई देखो एक प्रकार के लंबवत ना है जी? जी सर। एक तल है कि नहीं? इधर है ना तल, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। अब देखो दूसरा क्या होगा? एक्स वाई वाई जेड, वाई जेड प्लेन। तो परिभाषा सिंपल, एक्स है वाई है, तो क्या लिखते हैं? एक्स ओ वाई। अब इसको क्या लिखोगे? वाई ओ जेड। ये क्या कहलाता है? वाई जेड प्लेन। अब लिखो जेड एक्स प्लेन। और
First octant. OCTANTS. OCTANTS. ऐसने लगाना एगो ऑक्टेंट की ऑक्टेंट ओ सी टी एन टी ऑक्टेंट लिखेंगे आठ वो होता है आठ समझ गया ना तो ऑक्टेंट ऐसा लगा देते हैं प्लूरल बना देते हैं अब देखिए तो पहला क्या है एक्स ओ वाई जेड एक्स ओ वाई जेड एगो लंबत वाला चीज नहीं हो गया अब देखो निर्देशांक अक्ष जो है ना अंतरिक्ष को आठ भागों में काटती है निर्देशांक अक्ष जो है इनका अंतरिक्ष को आठ भागों में काटती है ये वो होता है एक्स ओ वाई जेड हो गया ना यानी ऐसे नहीं होगा एक्स वाई जेड ये वो हुआ ना एक आकृति दूसरा होता है एक्स डैश एक्स डैश अब एक्स तो ले लिया उधर जो एक्स डैश गया है नीचे की ओर वो भी ना एगो बनाएगा ऐसे करके बनाएगा एक दो तीन ने बन गया दू को हुआ अब देखो तीसरा होता है एक्स डैश ओ वाई डैश जेड एक्स डैश ये हो गया ओ वाई डैश और क्या हो गया जेड ऐसे एक्स डैश समझ लो ये ऐसे है इधर वाई डैश इधर जेड समझ गया ना और चौथा होता है आपको एक्स ओ वाई डैश जेड एक्स ओ देख लो एक्स ओ वाई डैश जेड ये जेड तो ही गया नहीं हो गया तो समझ लो एक्स ये है ये क्या है एक्स है ऐसे होता है ना जी तीनों लंबवत होगा कि नहीं होगा अच्छा इनसे आप नहीं समझेगा लेकिन आपको खांटी मेथड में जो है देशवाली मेथड में समझा देते हैं ये सम्राट ट्रिक है समझ गया ना ये रामबाण ट्रिक यानी रामबाण के समान काम करेगा बोलना चाहोगे लेकिन भूला नहीं पाओगे समझ गया ना देशवाली मेथड से समझो बुक वाला बहुत मेथड समझ लो ये सम्राट मेथड देखो इने से ले इने से ले इने से ले एगो बनाए दलते हो एक भैग लने से लने से लने से ये लैग लने से लने से लने से लीन भैग लने से लने से लने से लड़ भैग ल चार दू दू चार छो दू आठ पूरी गए आठ हंस पुराए दलो कि पुराए दलो पूरे गए रामबाण ट्रिक अपन रहबे करता उ ट्रिक कैल होते बने चीन को याद रखने का सर हाँ हो चीन कभी भूलेगा नहीं जैसे चीन आपके माइंड में इसका बता सब चीज खा लो बढ़िया चीज राखो एकदम अंतिम में खा ले बहुत लड़का के आदत किए छे पहले पापड़े खा गए हम तो पापड़े खा छे बहुत पूरा दल गए ये हो गया चलो एक्सरसाइज एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है एक बिंदु क्या है एक्स अक्ष पर स्थित है
तो वाई के निर्देशांक और जेड के निर्देशांक क्या होंगे? जीरो समझ गए लोग, होगा शून्य, मनवाइयो पड़ता है सर। त्रिकोण के एक बिंदु एक्स जेड तल में है, तिनके वाई के निर्देशांक के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो एक्स जेड तल है तो एक्स जेड का मान होगा वाई का मान जीरो होगा। हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन में जेड किसका मान जीरो होगा? एक्स वाई प्लेन में किसका मान जीरो होगा? जेड का। तो क्या कह रहे हैं एक्स जेड तल में वाई के निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? फिर कह रहा है उन अष्टांश के नाम बताइए जिन निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो क्या है एक दो तीन फर्स्ट में है, तीनों पॉजिटिव फर्स्ट में। कौन क्वार्टर अति कौन ऑक्टेंट में होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा ना। दूसरा जो है फोर्थ में, चार माइनस दो और तीन देखो होता है वाई के मान नेगेटिव एक्स जेड पॉजिटिव कौन में होते हैं? ऑक्टेंट फोर में। चलिए तो समझ गए तो चैप्टर खत्म। एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तल बनाते हैं, एक्स वाई तल बनाते हैं, एक्स वाई तल समझ गया ना। एक्स वाई तल के एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है। एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स वाई तल छे न आय में बिंदु के निर्देशांक की हेतर जेड गुण छे न हो बी भै गल जेड रन छे हो जीरो निर्देशांक तल अंतरिक्ष को डैश अष्टांश से विभाजित करते हैं तो आठ अष्टांश कितने अष्टांश में? डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबसे इजी है। देखो एक भी हिला के वो कल कल खेल में हम हो ना हो सर कल कोई घर जा सकता था कल खेल में हम हो ना हो कल आप तो रोगे ही ये भी तो हो सकता है सही रुपया घर चल जा सकता था। एक के एक में देखो कड़ा है दो तीन को खत्म कर दीजिए सर चार तीन एक हो गया ना। इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी तीन प्रॉब्लम है चार माइनस क्या करेगा दो का स्क्वायर तीन माइनस क्या करेगा तीन का स्क्वायर पाँच माइनस पाँच का एक माइनस पाँच का स्क्वायर निकल आएगा ना। दो दूनी चार ये जीरो सोलह चार बीस यूनिट हो गया। कैसे क्या करेगा जैसे मान चलो ये हो गया यूनिट ये क्या हो गया बी हो गया ये क्या हो गया सी ये का निर्देशांक क्या है? दो तीन पाँच पर सुख खत्म ये एक दो क्या हो गया कौन हो गया सात जीरो माइनस एक हो गया ना। ये संरेख होंगे ये संरेख होंगे कब कैसे होंगे जब ए सी बराबर आपको हो जाए ए बी जोड़ बी सी ए और सी हम बोल रहे हैं तो सी कैसे निकालेगा सात में से माइनस दो को घटाएगा तो सात प्लस क्या होगा दो का होल स्क्वायर फिर क्या करेगा जीरो में से किसको घटाएगा तीन को तीन का होल स्क्वायर माइनस एक फिर माइनस एक माइनस पाँच का होल स्क्वायर उनका वर्गमूल निकालेगा समीकरण एक मान लेगा मान लिया जी सर। फिर ए बी का मान निकालेगा किसका मान का ए और बी वाले बिंदु का दूरी निकालेगा है ना ए से बी की दूरी फिर बी से सी की दूरी निकालेगा दोनों को जोड़ करके समीकरण दो मानेगा दोनों को जोड़ करके समीकरण दो मानेगा देखेगा कि ए सी का मान इन दोनों का योग बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हो गया संरेख है बराबर नहीं हुआ संरेख मतलब क्या एक ही पर रेखा तीन या अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। बोलो संरेख किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो उसे हम संरेख कहते हैं। दो नहीं तीन या तीन से अधिक।